महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि मुखियार सामाजिक संगठन के बैनर तले दुर्ग के सिद्धार्थ नगर में सामाजिक संगठन का चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें समाज के ही मतदाताओं द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने मतदान किया गया। दुर्ग के सिद्धार्थ नगर वार्ड में महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि खमियार समाज का शुक्रवार को चुनाव कराया जा रहा है। इसके चलते अब अपने समाज का नेतृत्व तैयार करने संगठन का चुनाव कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड में बाकायदा चुनाव प्रक्रिया को अपनाते हुए चुनाव अधिकारी की उपस्थिति में समाज के लोगों द्वारा अपने अपने प्रत्याशी को नेतृत्व का जिम्मा सौंपने मतदान किया गया। इसी दौरान बड़ी संख्या में मतदान करने महिला एवं पुरुष नजर आए। गौरतलब है कि इसके पूर्व इस सामाजिक संगठन के द्वारा 2015 में समाज के संगठन द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं अन्य पदों पर समाज के युवा लोगों को समाज में बेहतर कार्य करने के लिए सामने लाया गया था। वहीं अब 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद सामाजिक संगठन के द्वारा फिर से चुनाव कराया जा रहा है, जिसका वोटिंग सामाजिक कार्यालय भवन में किया जा रहा है। वहीं इस बार सामाजिक संगठन के युवा पूर्व पदाधिकारियों ने अपने समाज के वरिष्ठ जनों को समाज का नेतृत्व करने प्रेरित किया, जिसके तहत समाज के अध्यक्ष पद के लिए अलख नवरंग, नीलेश सांडेकर, विशाल महानंद और अनिल मनहरे को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी प्रकार सचिव पद के लिए लोकेश सोने, अमित बंछोर, अभिषेक बाल्मीक एवं कोषाध्यक्ष के लिए सोनू सूर्या, लालेंद्र बड़ेल और विशाल कोसरिया को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनका आज शाम तक परिणाम भी आ जाएगा। इस संबंध में समाज के प्रत्याशियों ने अपनी जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। एक सामाजिक चुनाव है सिद्धार्थ नगर काली मंदिर में। 4 समाज के लोग रहते हैं, वाल्मीकि, सुदर्शन, मखियार, हेला समाज के लोग रहते हैं। इनके सभी के बीच से एक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें अभी 10 लोग खड़े हैं इस पद के लिए, जिसके लिए पूरे सामाजिक स्तर पे सब मिलजुल के यहाँ पे चुनाव का 10 लोग हैं यहाँ पे मतदाता। हमारे यहाँ 1100 है, अभी हमारे पास 400 हो गया है, 413 वोट हो चुके हैं। सांडेकर, सर्व समाज महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि मखियार समाज जो संगठित हमारे मोहल्ले में है, तो यहाँ हमारे मोहल्ले में लगभग सभी शेड्यूल कास्ट SC से सब सांप्रदायिक लोग यहाँ रहते हैं हमारे यहाँ। और ये जो चुनाव हो रहा है, 5 साल पूर्व के बाद ये चुनाव रखा गया है, इसमें हम बढ़ चढ़ के सब युवा भाई अपने पद में खड़े हुए हैं, जिसमें पद है अध्यक्ष का पद है, सचिव का पद है और कोषाध्यक्ष का पद है। इसके लिए हम सभी यहाँ चुनाव में वोटिंग करवा रहे हैं, हमारे समाज के जो पूर्व निर्वाचन हुए थे उसमें। और हमारा ये जो चुनाव है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, कोई भी इस पद में जीते हम सर्व समाज मिलकर अपने समाज के लिए दायित्व एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं, जिसमें हमारे मोहल्ले में जो युवा भाई हैं और बहनें हैं जिनको रोजगार नगर पालिका निगम में, व्यक्तिगत बहुत सारे लोग हैं जो नगर पालिका निगम में ही कार्य करते हैं, उनके लिए हमें रोजगार के लिए आगे बढ़ के काम करना है। और भी बहुत सारे लोग जो अशिक्षित हैं, हमारे जात समाज के लोग जो शिक्षित में थोड़ा वंचित रहते हैं, उन्हें साक्षरता शिक्षित में आगे लाना है और उनका आगे उज्जवल भविष्य बनाना है, उसी की बस हम सब कामना करते हैं। इसलिए ये चुनाव रखा गया है, जो भी इस पद में आएगा हमारे समाज को एक साथ संगठित होकर कार्य करना है और एकता का प्रचार करना है अपने संगठन का चुनाव है। हमारे सिद्धार्थ नगर बस्ती में 4 स्तर के समाज के लोग हम लोग संगठित हैं, लगभग 1200 से 1500 लोग करीब करीब हैं हम लोग। और हम अपने समाज के विकास और उसकी शिक्षा विकास के लिए ये संगठन की स्थापना किए हैं। और ये दूसरा साल है, दूसरी बार हो रहा है चुनाव, 2015 में पहले हुआ था और ये दूसरी बार चुनाव हो रहा है, जिसमें वरिष्ठ और युवा सारे मिल करके इसको संगठित रूप से बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये 5 वर्ष पूर्व चुनाव हुआ था, उसमें रिक्की समुद्रे अध्यक्ष बने थे, उसके बाद ये दूसरा चुनाव संचालित किया जा रहा है। इसमें हम 4 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, जिसमें मैं अलख नवरंग भी अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ हूं। और समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए और अच्छे से करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए यह समाज का गठन जो हुआ है, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और किसी की भी नियुक्ति हो उसके बाद सब मिलकर ही काम करेंगे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।